जवानपुर है एंड किशनगढ़ तीनों जगह में आई डोंट थिंक सो 1% भी कोई डेवलपमेंट हुई है. दे डोंट हैव रोड्स, पेवर ब्लॉक नहीं है, ना वाटर लाइन्स है, ना सीवर लाइन्स है. 5-6 महीने पहले इन्होंने कोई रोड्स बनवाई थी. आप आज हाल देखना, सारी रोड्स टूट चुकी है. वैसे ही इतनी महंगाई बीजेपी के राज में हो चुकी है. अगर आप गरीबों को राशन नहीं देंगे तो वो क्या खाएंगे. लिस्ट मैंने तैयार की है. अगर मैं जीतूंगी तो अगर 40 लोग आपके काउंसलर्स हैं एरिया में, आई डोंट थिंक डेवलपमेंट पीछे रह जाएगी. नमस्कार, अर्थ प्रकाश में आपका स्वागत है. मैं हूँ साजन शर्मा. आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 की कांग्रेस की प्रत्याशी जन्नत जहां जी के पास. उनसे जानते हैं कि उनके वार्ड में किस तरह के मुद्दे हैं और किस तरह की दिक्कतें जो है लोग फील कर रहे हैं. आरोप ये लगा रही हैं मैडम कि यहाँ का वार्ड दूसरा डड्डू माजरा बनने जा रहा है. वहां पे इतनी डंपिंग कूड़े की है रेलवे लाइन के साथ साथ शास्त्री नगर में और किशनगढ़ के इलाके में, तो जिससे लोगों को काफी दिक्कत आ रही है. आइए उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतें वार्ड के लोग वहां जो है फेस कर रहे हैं. जी मैम नमस्कार. मैडम किस तरह की दिक्कतें लोगों को वहां पे आ रही हैं? सी मेरे वार्ड में इंदिरा कॉलोनी आती है, शास्त्री नगर, भगवानपुरा एंड किशनगढ़. किशनगढ़, भगवानपुरा एंड शास्त्री नगर फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेशन में, मतलब इलेक्शंस में आ रहे हैं. चाहे 2 साल पहले कॉर्पोरेशन के पास आ गए थे, ये विलेज एरिया है जिसको अब कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट देगी. एंड ये तीनों जगह में आई डोंट थिंक सो 1% भी कोई डेवलपमेंट हुई है. ये हम ब्लैंक शीट है, जैसे ब्लैंक पेपर जिसको कहते हैं, जहां घर है, आबादी है. दे डोंट हैव रोड्स, पेवर ब्लॉक नहीं है, ना वाटर लाइंस है, ना सीवर लाइंस है. कभी कभी प्राइवेट टैंकर्स आते हैं या लोग, कभी कभी कॉर्पोरेशन 2-3 टैंकर्स भेज देती है. गंदगी के ढेर है उधर, कभी कोई झाड़ू सफाई कुछ नहीं है. नो डस्टबिन, मतलब ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना ब्लैंक, जीरो पे खड़े हैं ये तीनों एरियाज. एंड यहाँ तो मेजर डेवलपमेंट्स की जरूरत है, बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग. बस उनके घर है, वहां आबादी है, दैट्स इट. जो पुराने काउंसलर थे उन्होंने वहां पे विकास कराने का वो दावा करते हैं, किस तरह का काम हुआ है या नहीं हुआ? उन्होंने ये एरियाज को टच ही नहीं किया जी, इन तीनों को. 2 साल से तो था उनके पास ये जो गांव आए हैं. रही बात इंदिरा कॉलोनी की, 15 साल से बीजेपी का काउंसलर्स वहां से जीत रहे हैं. 15 साल से उनका राज है उस वार्ड में. आपको पता है कोई डिस्पेंसरी नहीं है उधर, कोई बस स्टॉप नहीं है वहां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है. सो ये तो बेसिक आम आदमी की बेसिक नीड्स हैं, वो भी चंडीगढ़ का हिस्सा एरिया. वहां लोग ऑटो यूज करते हैं, तो मतलब आप खुद देखें, जहां बस स्टॉप नहीं होएगा, जहां डिस्पेंसरी नहीं होएगी, लोग दिहाड़ी तोड़ के दूसरी डिस्पेंसरीज में जाते हैं. तो आप खुद सोच सकते हैं उधर क्या डेवलपमेंट हुई है. रही बात रोड्स की, 5-6 महीने पहले इन्होंने कोई रोड्स बनवाई थी. आप आज हाल देखना, वो सारी रोड्स टूट चुकी हैं. मैं भी एक काउंसलर रह चुकी हूँ, 5 इयर्स के लिए रोड्स बनती हैं. जो रोड 5 महीने में टूट सकती है, आप खुद सोच रहे हैं उसमें मटेरियल क्या लगा होगा. उधर पार्क्स डंपिंग ग्राउंड्स हैं, नो डस्टबिन. सीवर वाटर लाइन्स इतनी पुरानी है कि अभी मिक्सिंग ऑफ वाटर हो रहा है. कितने एरियाज में पानी ही नहीं आता. खंबे हैं, लाइट्स नहीं है. कितनी जगह डार्क स्पॉट्स है. मतलब ये तो लोग बेसिक नीड्स मांग रहे हैं. जब जैसे वो जो ब्लॉक होता है घरों का इंदिरा कॉलोनी में, उधर पेवर नहीं लगा, टूटा हुआ है. तो जब बारिशों में कीचड़ हो जाता है तो लोग अपने कीचड़ वाले पैरों से घर के अंदर एंटर करते हैं. और जिन्होंने अपनी जेब से थोड़ा बहुत पैसा लगा लिया, तो उन्होंने थोड़े थोड़े स्टोन्स लगाए हुए हैं अपने घर के बाहर. मतलब अगर डेवलपमेंट होती तो दिखती. और एक पब्लिक टॉयलेट है अभी जो पार्क में बनवाया था सितंबर के महीने में इसी साल, उसका मुद्दा हमने उठाया था, हमारी पार्टी ने. बंद हो गया था वो टॉयलेट, टूट चुका था. अब आप खुद सोच सकते 3 महीने में जो टॉयलेट टूट जाए और बंद हो जाए, उसका वो कैसा बनवाएगा. नो पब्लिक टॉयलेट्स एट ऑल, एक है वो भी बहुत खस्ता हाल में. सो अगर कोई डेवलपमेंट होती दिखती. लाल डोरा की एक जो बात भाजपा लगातार बोल रही है कि लाल डोरा के मकान हम इसमें शामिल करा देंगे या अभी करने जा रहे हैं, तो वो इलाका लाल डोरे की मार झेल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये क्या वादे देंगे अगर इन्होंने कुछ करना होता. इनके काउंसलर्स, इनका मेयर, इनके एमपी, इनके होम मिनिस्टर, इनके प्राइम मिनिस्टर.
अब आप सोचे कितनी पावर होने के बावजूद अगर ये कोई डेवलपमेंट नहीं करा पाए अपने गांव एरियाज में या लाल डोरा के बाहर एरियाज में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही परमिशन दे दी है, तो अब ये किस चीज सुप्रीम कोर्ट का भी वो मानेंगे कि हम हमारी पार्टी ने कराया है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया है फरवरी में जो आया है कि जो एरियाज लाल डोरे के बाहर है जो आबादी है उन लोगों को बेसिक अमेनिटीज दी जाए। तो मेरे काफी एरिया लाल डोरे के बाहर आता है पिंड में, एंड आई विल श्योरली ट्राई अगर मैं जीतती हूँ कि उन लोगों को भी बेसिक अमेनिटीज मिले, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ पैथेटिक कंडीशन। मतलब जिसको कहते हैं गंदगी, जिसको कहते हैं मच्छर। शास्त्री नगर में एक एरिया आता है मच्छी मार्केट, अगर आप देखें वहां सीवर के पॉन्ड्स बन गए हैं। मतलब कीचड़ ऐसा रहता है इस वेदर में, सोचो मानसून में क्या होता है कि आधे पैर आपके धस जाते हैं सीवर वाले पानी में, कीचड़ों में। वो लोग इतने सालों से बैठे हैं। इंदिरा कॉलोनी में एक एरिया है झुग्गीज है, जहाँ 200 झुग्गियां आएंगी। आप मानेंगे उनका आज तक सर्वे नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते हैं 2022 में चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाएंगे, जिस एरिया का आप 15 साल से सर्वे नहीं करा पाए, उन लोगों को घर मकान नहीं दिलवा पाए, तो स्लम फ्री कहां से होएगा? क्या इंदिरा कॉलोनी चंडीगढ़ का हिस्सा नहीं है? रेलवे ट्रैक के पास जो घर है वहां कूड़े के पहाड़ है। सच बताऊं वो छोटा मिनी डड्डू माजरा बन चुका है। एक साइड आपको आईटी पार्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खूबसूरती दिखती है, एक तरफ रेलवे ट्रैक के आपको सिर्फ गंदगी, मच्छर मक्खी, स्ट्रे कैटल घूमती हुई वो चीजें दिखती है। सो लोगों की ज्यादा डिमांड्स नहीं है, दे आर नॉट आस्किंग कि हमें फाउंटेन्स बनाओ या स्टैचूज लगाओ। बेसिक अमेनिटीज की डिमांड है, एंड आई डोंट थिंक बीजेपी फुलफिल किया है उन्होंने अपने कोई भी प्रॉमिस। रही बात राशन की, मेरे लोगों को उधर राशन नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। जो सब्सिडी के नाम पे कुछ लोगों को, मतलब अगर 100 लोगों से हम बात करें सिर्फ 10 को सब्सिडी आ रही है, 90 को आ नहीं रही। तो ऐसे ऐसे थोड़ा होता है, अगर आपने सब्सिडी लगाई है तो आई फील सबको मिलनी चाहिए। पहली बात तो मुझे सब्सिडी वाला सिस्टम ही नहीं समझ आता, जब गरीब जनता इतनी महंगाई की मार से गुजर रही है। पहले नोटबंदी हो गई, फिर कोरोना आ गया जी। अब आप बताएं जब कोरोना के बाद इतने लोग त्राही त्राही भूख से मर रहे थे, और इन लोगों ने फिर भी राशन नहीं बांटा। जो उधर के लोगों ने मेरे को बताया कि वहां भाजपा के लोगों ने स्टॉक कर लिया राशन और सिर्फ अपने लोगों में बांटा गया, तो और एनजीओज ने जितनी भी हैं उन लोगों ने बाकी लोगों को राशन पहुंचाया है। सो ये बातें ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही इतनी महंगाई बीजेपी के राज में हो चुकी है, अगर आप गरीबों को राशन नहीं देंगे तो वो क्या खाएंगे और वो कैसे रहेंगे? अच्छा, अपने इलाके की जनता से आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे, किस तरह से उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि मैं आपके लिए जो है हर तरह से उपलब्ध भी रहूंगी और विकास के काम सी। मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग शुरू से डिफरेंट रहा है। मैं अपने लोगों को यही बोलती हूँ कि आप लोगों को 35 सेक्टर मेरे पास किसी काम के लिए नहीं आना पड़ेगा। कम्युनिटी सेंटर में हमारा ऑफिस है, और मैं एक टीम तैयार कर रही हूँ 30-40 लोगों की, लोकल टीम जो ऑल द टाइम उन लोगों के बीच में रहेंगे, ताकि उन लोगों को दिहाड़ियां तोड़ के मेरे पास आने की ऑल द टाइम जरूरत ना पड़े। हमें व्हाट्सएप या फोन कॉल भी करेंगे हम 40 के 40 को, एक लिस्ट मैंने तैयार की है। अगर मैं जीतूंगी वो पूरा लैमिनेट करके शीट मैंने घरों के बाहर लगा देनी, जैसे एक ब्लॉक में 40 लोगों के नंबर है जी। तो अगर 40 लोग आपके काउंसलर्स हैं एरिया में, आई डोंट थिंक डेवलपमेंट पीछे रह जाएगी। तो आप छोटे छोटे काम तो वो 39-40 लोग भी आपके करवा पाएंगे। मेरे को तो वो आवाज बना रहे हैं अपनी, ताकि मैं हाउस में मुद्दे उठा के एजेंडे के एस्टिमेट्स लाके पास करा सकूं। लोकल लोग जो उधर होंगे वो लोकल परेशानियां लोगों की दूर करेंगे। सो मैं अपनी जनता को यही कहती हूँ कि इंदिरा कॉलोनी कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने उन्हें बसाया है, बीजेपी ने उनको कुछ नहीं दिया सिवाय महंगाई के, झूठे वादों के। सिर्फ और सिर्फ इस बार कांग्रेस को वोट दें और 40 काउंसलर्स को अपने जिताएं एरिया के। इसमें एक भाजपा दावा ये भी करती है कि उन्होंने अंडरपास मनी माजरा वाला बनवाया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो हंसी आती है जी कि ये लोग, ये काम तो एडमिन का है, कॉरपोरेशन का तो एक रुपया नहीं लगा। एडमिन के काम को अगर बीजेपी के लोग अपना काम बता के प्रचार करें तो दैट इज सो फनी। आज मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने रेट कम करा सकती हूँ डीजल पेट्रोल का, मैं अपने भाषणों में नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे में पावर नहीं है।
मैं ये नहीं बोल सकती मैं सब्जी के रेट कम करा दूंगी या गैस सिलेंडर के रेट कम करा दूंगी। ये तो जो बड़े लोगों के काम है, एडमिन के काम है, उन मतलब वो एक काउंसलर के काम कभी नहीं हो सकते, आप गिना भी नहीं सकते। तो ये जो एडमिन के काम ये गिना रहे हैं, इट इज एक्चुअली फनी। और मैं अपने लोगों को बताती हूँ, ये एडमिन के काम है, काउंसलर के काम नहीं किए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस की प्रत्याशी मैडम जन्नत जहान। उन्होंने अपनी सारा जो है एक एजेंडा बता दिया कि वो किस तरह से लोगों के आगे कामों को बढ़ाएंगी और विकास वहां पे करवाएंगी वार्ड में। अर्थ प्रकाश के लिए साजिन शर्मा के साथ कैमरामैन दीपक चौहान। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।